Good morning to all my dear students of class 3. Today I am here to explain you all the chapter number 10 of the subject social studies. आज की क्लास में बेटा मैं आप लोगों को सोशल स्टडीज सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 10 एक्सप्लेन करूँगी. मेरे एक्सप्लेनेशन के टाइम पे मैंने जो भी वर्ड्स को अंडरलाइन किया है उन्हें आप लोग भी अंडरलाइन करेंगे. सबसे पहले आज की डेट डालिए 22/10/2020. द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्लोथ्स वी वेयर, कपड़े जो हम पहनते हैं. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. वी हैव रेड दैट डिफरेंट एरियाज इन आर कंट्री हैव डिफरेंट क्लाइमेट. हमने पहले पढ़ा है कि हमारे कंट्री की अलग अलग जगह का क्लाइमेट अलग है. पहाड़ी इलाके में चले जाएंगे तो ठंडा रहता है, रेगिस्तान इलाके में चले जाएंगे तो बहुत गर्मी रहती है. ठीक है. एट सम प्लेसेस द समर्स आर वेरी हॉट एंड द विंटर्स आर वेरी कोल्ड. कुछ जगहों पे गर्मी बहुत होती है और कुछ जगहों में ठंडी बहुत होती है. नियर द सी कोस्ट द क्लाइमेट इज ऑलमोस्ट द सेम थ्रू आउट द ईयर. और नदियों के पास बसे हुए शहर या सी के पास बसे हुए शहरों का क्लाइमेट ज्यादातर साल भर एक जैसा रहता है. क्लाइमेट इफेक्ट्स आर डे टू डे लाइफ. क्लाइमेट हमारे डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करता है. वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर सेल्व्स. हमें अपनी बॉडी को ढकने के लिए कपड़ों की जरूरत पड़ती है. पीपल वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस नॉट ओनली इन डिफरेंट एरियाज बट ऑल्सो इन डिफरेंट सीजन. लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं अलग अलग जगह पे और अलग अलग सीजन पे. जैसे हम हैं, गर्मी में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ठंड में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. ठीक है. हमारे कपड़े नॉर्मल हैं जो हम पहनते हैं. यहाँ के ट्रेडिशन में फीमेल्स जो हैं साड़ी पहनती हैं या कुछ घरों में सूट भी पहने जाते हैं और मेल्स ज़्यादातर पैंट शर्ट या कुर्ता पजामा वगैरह पहनते हैं. तो ये कह रहा है कि हर एक स्टेट का पहनावा भी अलग है जो सीजन के साथ बदलता है. सम ड्रेसेस आर कॉमन एंड पॉपुलर थ्रू आउट इंडिया. कुछ ड्रेसेस पूरे इंडिया में कॉमन है और पॉपुलर है, जैसे साड़ी, सलवार कमीज, ट्राउजर, शर्ट्स, स्कर्ट्स एक्सेट्रा. अब हम पढ़ेंगे वुमेन्स ड्रेसेस, औरतें इंडिया की कैसे कपड़े पहनती हैं. मोस्ट ऑफ वुमेन इन इंडिया वियर साड़ीज. इंडिया की ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो साड़ी पहनती हैं. वुमेन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स टाई देयर साड़ीज इन डिफरेंट वेज. लेकिन उनके साड़ी पहनने के तरीके अलग हैं. हर स्टेट में साड़ी किसी अलग तरीके से पहनी जाती है. अनदर कॉमन ड्रेस ऑफ वुमेन इज सलवार कमीज विथ अ दुपट्टा. इसके अलावा जो दूसरी कॉमन ड्रेस है वो है सलवार कमीज दुपट्टे के साथ. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है नॉर्मल साड़ी, ये है बंगाली तरीके से ऐसे साड़ी पहनी जाती है. दिस इज सलवार कमीज एंड दिस इज अ पंजाबी ड्रेस, कुर्ता विद अ धोती विच वुमेन वियर्स. सम अदर ट्रेडिशनल वुमेन्स ड्रेसेस आर. इसके अलावा कुछ दूसरी ट्रेडिशनल औरतों के कपड़े हैं. घाघरा कुर्ता इन हरियाणा में पहना जाता है, घाघरा चोली गुजरात में पहनी जाती है, मुंडू ब्लाउज केरला में पहना जाता है, सलवार फिरान कश्मीर में. फिरान क्या होती है, वुलन कुर्ती होती है काफ़ी ढीली सी, जिसको सलवार के साथ वुमेन्स पहनती हैं कश्मीर में. मेखला चादोर इन आसाम, सलवार कमीज विथ ओढ़नी इन पंजाब. ऑल्सो इन द स्टेट्स ऑफ सिक्किम वुमेन वेयर लॉन्ग स्कर्ट कॉल्ड बाकू. नेक्स्ट टॉपिक इज मेन्स ड्रेसेस. अब हम पढ़ेंगे आदमियों के कपड़ों के बारे में. द ड्रेसेज ऑफ मैन वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. मेन्स के कपड़े भी स्टेट से स्टेट टू स्टेट अलग होते हैं. कुर्ताज आर वन विथ पिजामाज, चूड़ीदार धोतीज एंड लुंगीज. द धोती इज कॉल्ड वेस्टी इन तमिलनाडु एंड मुंडू इन केरला. धोती को वेस्टी कहा जाता है तमिलनाडु में और मुंडू कहा जाता है केरला में. इन नॉर्थ इंडिया मैन वियर धोती कुर्ता एंड कुर्ता पैजामा. अ कुर्ता इज लाइक अ लूज शर्ट वेयर एज अ पैजामा इज लाइक अ लूज पैंट. कुर्ता क्या है, एक तरह से लूज शर्ट ढीली शर्ट, और पैजामा इज लाइक अ ढीला पैंट. इन राजस्थान द चूड़ीदार इज वोन विथ अ कुर्ता
एंड एन अंगरखा, ठीक है। राजस्थान में कुर्ता को चूड़ीदार्स के साथ पहना जाता है, यानी कि पैजामी, पैजामियों के साथ। कश्मीरी मेन वियर द वुलन फुरान, कश्मीरी मेन वुलन फिरान पहनते हैं। इन सिटीज मेन वियर मॉडर्न ड्रेसेस, शहरों में लोग मॉडर्न ड्रेसेस पहनते हैं, जैसे टी शर्ट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स एक्सेट्रा। सम मेन कवर देयर लिट सॉरी दिस रॉन्ग वर्ड इज गिवेन, दिस इज नॉट लेट्स, इट शुड बी हेड्स। इसको आप लोग ठीक करिएगा, HEADS, हेड्स। कुछ आदमी अपने सर को ढकते हैं टर्बन्स या कैप से। टर्बन यानी पगड़ी, कैप यानी टोपी। टर्बन इज पगड़ी एंड कैप इज टोपी। टर्बन्स आर वोन इन डिफरेंट स्टाइल्स। पगड़ी को भी अलग अलग तरीके से पहना जाता है, जैसे सरदार अलग तरीके से पहनते हैं, राजस्थान में अलग तरीके से पहनी जाती है। पीपल वियर टर्बन्स टू प्रोटेक्ट देयर हेड एंड हेयर। लोग पगड़ी पहनते हैं अपना सर और हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। एम्ब्रॉयडर्ड कैप्स आर वर्न बाय पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस तरीके की कढ़ाईदार टोपी पहनी जाती है हिमाचल प्रदेश में। ड्यूरिंग द विंटर सीजन पीपल मोस्टली वेयर वुलन क्लोथ्स। ठंड के मौसम में ज्यादातर लोग वुलन कपड़े पहनते हैं, यानी कि ऊनी कपड़े। द मेन इन सिटीज वियर वुलन सूट्स। इन साउथ इंडिया द क्लाइमेट इज वार्म थ्रू आउट द ईयर, सो क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन आर मोस्टली वॉर्न। ट्राइबल ड्रेसेस। देयर आर मेनी ट्राइबल्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर कंट्री। ट्राइबल्स ये लोग हैं हमारे, जैसे बंजारे जिनको बोला जाता है, जिनकी कोई फिक्स्ड जगह नहीं होती है रहने की, जो अपना स्थान बदलते रहते हैं, अपनी जगह बदलते रहते हैं अपने काम के अनुसार। उनको जहाँ काम मिले वो वही शिफ्ट हो जाते हैं। तो इनके कपड़े इनके अपने अनुसार होते हैं, जैसे इनके कस्टम में चलता है। दे हैव देयर ओन टिपिकल ड्रेसेस एंड कस्टम्स, ठीक है। वी वेयर ड्रेसेस अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। यस, ये बिल्कुल सही बात है। द क्लाइमेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द ड्रेसेस फॉर मैन एंड वुमेन इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन द हिली एरियाज द क्लाइमेट इज कोल्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। पीपल लाइक टू वेयर ड्रेसेस मेड फ्रॉम वुलन क्लोथ। दे ऑल्सो कवर देयर हेड्स विथ अ शॉल और अ फर कैप और अ टर्बन। ड्यूरिंग द समर सीजन द ड्रेसेज मेड फ्रॉम कॉटन क्लॉथ आर पॉपुलर। बहुत सिंपल सी बात है, जब ठंड होती है तो हम वुलन ऊनी कपड़े पहनते हैं, शॉल से भी सर ढक लेते हैं, हमें ठंड लगती है। और जब गर्मी आती है तो हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, जो हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। ओकेजन एंड ड्रेसेस। वुमेन वियर एक्सपेंसिव सिल्क साड़ीज, एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा एंड सलवार कमीज एक्सेट्रा, एंड हैवी ज्वेलरी ऑन मैरिज और अदर स्पेशल ओकेजन्स। फॉर दीज ओकेजन्स मेन्स ऑल्सो वेयर फॉर्मल ड्रेस लाइक शेरवानी सूट, सफारी सूट एक्सेट्रा। ये बहुत सिंपल सी बात है, जो कपड़े हम घर पे पहनते हैं वो कपड़े हम किसी फंक्शन या किसी शादी में पहन के नहीं जाते। हमारे पास बाहर जाने के लिए, यानी कि शादी या कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए कपड़े अलग होते हैं, जिन्हें हम घर में भी नहीं पहनते। हमारी मदर्स के पास भी, हमारी मम्मी लोगों के पास भी हैवी साड़ियाँ, वर्क वाली साड़ियाँ होती हैं, जो वो सिर्फ शादियों में या कहीं बाहर जाना होता है, किसी फंक्शन में जाना होता है, तभी पहनती हैं। उसी तरह हमारे फादर के पास भी सूट होते हैं, कोट पैंट होता है, जो सिर्फ शादी या किसी फंक्शंस में ही पहने जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोफेशंस एंड ड्रेसेस। सम पीपल वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू। कुछ लोग कपड़े पहनते हैं अपने काम के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, ये डॉक्टर की ड्रेस है जिसमें ऊपर से व्हाइट कलर का कोट पहना जाता है। दिस इज अ ड्रेस ऑफ आर्मी पर्सन। हम ड्रेस देख के बता देते हैं कि अगला क्या काम करता है। कई प्रोफेशंस की अपनी एक ड्रेस होती है, जैसे डॉक्टर्स की, आर्मी पर्सन्स की, पुलिसमैन की, तो वो उनके काम की पहचान है। उनको कपड़ा वही दिया गया है जो काम वो करते हैं। लाइक नर्सेस, सोल्जर्स, पुलिसमैन हैव यूनिफॉर्म्स। व्हाइल गोइंग टू स्कूल यू ऑल्सो वियर यूनिफॉर्म। उसी तरीके से जब आप स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हमें पता होता है कि आप स्कूल जा रहे हैं। हाउ क्लॉथ इज मेड, कपड़े कैसे बनते हैं। इफ़ वी केयरफुली लुक एट अ पीस ऑफ क्लॉथ वी कैन सी थ्रेड्स रनिंग अलॉन्ग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लॉथ। अगर हम किसी कपड़े को ध्यान से देखें
तो हम देखेंगे कि धागा लेफ्ट राइट जो है चला होता है. क्लॉथ इज वुवन क्रॉसिंग टू सेट्स ऑफ यार्न ऑन अ लूम. वी यूज अ पावर लूम और अ हैंड लूम टू वीव द क्लॉथ. वी कैन निट वुलन थ्रेड्स इनटू स्वेटर्स, सॉक्स एक्सेट्रा बाय यूजिंग निटिंग नीडल्स. वेस्ट एंड टी शर्ट्स आर मशीन निट क्लोथ्स. ये कह रहा है कि क्लॉथ्स जो है, जैसे ठंड के कपड़े दो नीडल्स की मदद से, यानी कि जो बुनाई वाली जब आप स्वेटर बुनते हैं तो दो सिलाई कढ़ाई के लिए वो आती है, उसी की मदद से स्वेटर बनता है. टी शर्ट्स वगैरह जो है वो मशीन मेड क्लोथ्स होते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डाइंग. व्हाट इज डाइंग? क्लॉथ इज कलर्ड यूजिंग डाइस. कपड़ों को कलर किया जाता है डाई की मदद से. अब डाई क्या होता है? डाई नेचुरल कलर्स होते हैं जो कि फ्लावर्स या वेजिटेबल्स से निकाले गए हों. क्लॉथ इज कलर्ड यूजिंग डाइज. द डाइज आर कलर्ड सॉल्यूशंस मेड फ्रॉम केमिकल्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स. द प्लांट डाइज आर कॉल्ड नेचुरल डाइज. वी गेट देम फ्रॉम द लीव्स, बार्क्स, फ्लावर्स, स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ द प्लांट्स. मेहंदी यानी कि हिना लीव्स गिव ब्राउन कलर. मेहंदी जो है ब्राउन कलर देती है. इंडिगो फ्लावर प्लांट्स गिव येलो एंड ऑरेंज कलर. प्रिंटिंग, अब देखेंगे कि कपड़ों पे प्रिंट कैसे होती है. पैटर्न्स एंड डिजाइंस आर मेड ऑन द क्लॉथ बाय वेरियस मेथड्स. जैसे कि ब्लॉक प्रिंटिंग इज यूज मोस्टली ऑन कॉटन फैब्रिक्स. कार्व्ड वुडन ब्लॉक्स आर यूज टू प्रिंट द डिजाइंस. कालमकारी एंड बटिक आर सम ऑफ द फेमस डिजाइंस ऑफ आवर कंट्री. हमारे कंट्री के कुछ फेमस प्रिंटिंग डिजाइंस हैं कालमकारी एंड बटिक. चलिए अब एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज नंबर बी, चूज एंड टेक द करेक्ट ऑप्शन. टू कवर आर सेल्फ वी नीड क्लोथ्स. टेक ऑन क्लोथ्स. सेकेंड, मुंडू ब्लाउज इज वॉर्न इन केरला. थर्ड, पीपल वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन. हम कॉटन क्लोथ समर सीजन में पहनते हैं. फोर्थ, क्लॉथ इज कलर्ड यूजिंग डाइस. क्लॉथ को कलर किया जाता है डाइस की मदद से. कैंसिल आउट द इनकरेक्ट वर्ड्स. यहाँ पे जो सही शब्द है उसे आप लोग टिक कर दीजिए, जो गलत है उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए. वेन इट इज हॉट वी वियर डैश क्लोथ्स. जब गर्मी होती है हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? कॉटन, तो कॉटन के ऊपर टिक कर देंगे. सेकेंड, वुमेन इन कश्मीर वियर आर डैश फिरान. वुमेन कश्मीर में क्या पहनती हैं? फिरान. थर्ड, द डैश इज लाइक अ लूज पैंट. क्या चीज लूज पैंट की, ढीली पैंट की तरह होती है? पैजामा. फोर्थ, टी शर्ट्स आर मशीन क्लोथ्स, मशीन निट क्लोथ्स. टी शर्ट जो है मशीनरी क्लोथ होता है. फिलिंग द ब्लैंक्स, वी नीड डैश टू कवर ourselves. हमें क्या जरूरत पड़ती है अपने आप को ढकने के लिए? क्लोथ्स की. नेक्स्ट, मेखला चादोर इज आर ट्रेडिशनल ड्रेस इन आसाम. थर्ड, ट्राइबल्स हैव देयर ओन टिपिकल ड्रेसेस एंड कस्टम्स. फोर्थ, पीपल वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू. फिफ्थ, वी यूज अ पावर लूम और अ हैंड लूम टू वीव द क्लॉथ. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. नंबर वन, पीपल वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स. ट्रू. साड़ी इज अ पॉपुलर ड्रेस फॉर वुमेन इन इंडिया. ट्रू. थर्ड, लुंगी इज वोन बाय मेन इन नॉर्थ इंडिया. फॉल्स. लुंगी सबसे ज्यादा साउथ इंडिया में पहनी जाती है, स्पेशली केरला में. फोर्थ, ट्राइबल्स हैव देयर ओन टिपिकल ड्रेसेस. ट्रू. फिफ्थ, लीव्स एंड फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक वेजिटेबल डाई. ट्रू. मैच द फॉलोइंग, क्लोथ्स वेरी अकॉर्डिंग टू सीजन्स. वेरी का मतलब होता है कि डिफरेंट, ठीक है? डिफरेंस, डिफरेंस होता है सीजन्स के अकॉर्डिंग. विंटर वुलन क्लोथ्स, कश्मीर फिरान, केरला लुंगी, फॉर्मल ड्रेसेस स्पेशल ओकेजन्स. 5, 3, 2, 1, 4. द फोटो ऑफ क्वेश्चन आंसर्स विल बी गिवन टू यू ऑल इन द होमवर्क. सो चैप्टर नंबर 9
सॉरी चैप्टर नंबर 10 ऑफ सोशल स्टडीज इज ओवर टुडे. दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास. थैंक यू वेरी मच.